बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज हम बनाएंगे फ़िश हेड सूप, यानी कि मछली के सरों का सूप बनाएंगे हम, जो बहुत ही हेल्दी होता है। मछली का सूप ज़हनी और जिस्मानी तनाव को दूर करता है और ख़ास करके लकवा और फालिज के अमराज के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से हमारी आंखें भी रोशन रहती हैं, दिमाग भी तेज़ होता है, हाफ़से को भी मज़बूत करता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, बेशुमार फ़वाद मौजूद हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मछली के सड़ लिए हैं 5 अदद, इनको नमक लगा कर रख दिया था पहले आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून सिरका डालकर और पानी शामिल करके इसको डिप कर दिया था उसके अंदर आधे घंटे के लिए। फिर दोबारा मैंने इसको वॉश किया। इस तरह मैंने इनको साफ़ कर लिया है, मछली के सरों को। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हम इसको खुले और बड़े बर्तन में बनाएंगे। एक कढ़ाई ले लिए, इसमें पानी शामिल करेंगे 4 गिलास। ये पानी चला गया। इसमें प्याज ली है 1 बड़े साइज़ की, इसको मैंने बड़े बड़े स्लाइसिस में काट लिया है इस तरह। लहसुन के जवे लिए हैं 4 अदद, इनको मैंने छील लिया है बड़े साइज़ के। हरी मिर्चें ली हैं 4 अदद छोटी वाली, और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी मैंने पीसेस में काट लिया, ये शामिल कर देंगे। खड़े गरम मसालों में जो इसमें जाएगा, 1 तेज़पत्ता लिया है, 2 अदद छोटी इलायची ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 10 से 12 अदद काली मिर्ची ली हैं, 4 अदद लौंगे, ये शामिल कर देंगे। चाइनीज़ नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून। नमक 1/4 टीस्पून, ये अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। हल्दी 1/4 टीस्पून। ये जो मछली के सर हमने धो के रखे थे, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ज़ीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसको ढककर 10 मिनट तेज़ आंच पर पकाएंगे बॉयल आने तक। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो चूल्हा स्लो करके हम इसको लो फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे पकाएँगे। आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा मछली के सरों का सूप रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फीडबैक दें। इसे आप हरे धनिया से, और अगर आपको हरा धनिया पसंद है तो इसे गार्निश कर लें। काली मिर्ची डाल के आप इसको ऊपर से सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है ये सूप। आप इसको चपाती के साथ और चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियां और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।